प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह शांति और आशीष मिले। विलियम शेक्सपियर के बारे में ज़्यादातर लोगों ने सुना है, जिन्होंने भी विशेषकर इंग्लिश सब्जेक्ट लिया होता है अपने स्कूल्स कॉलेजेस में, तो विलियम शेक्सपियर का नाम कहीं ना कहीं आता है। और ये एक अंग्रेजी नाटककार थे जो नाटक लिखते थे। नाटक का जो थीम होती थी, ड्रामे की थीम, कवि थे, खुद भी एक एक्टर थे, अभिनेता थे, और अंग्रेजी भाषा का वो सबसे बड़ा लेखक और दुनिया का सबसे बड़ा नाटक के थीम्स लिखने वाला व्यक्ति माना जाता है। इनफैक्ट इंग्लैंड इसको अपना राष्ट्रीय कवि भी मानते हैं। तो आज से तो कई साल हो गए, करीब 500 साल हो गए। तो अप्रैल 23, 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म इंग्लैंड में हुआ। और उसके जीवन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, मतलब जीवन की जो और डिटेल्स है, कुछ अटपटा भी है कि इनकी शादी 18 साल पे हुई एन लड़की के साथ, जो पहले से इसके बच्चे से प्रेग्नेंट थी। और इसका एक बेटा हुआ पहले, हैमनेट, जो 11 साल की उम्र पर मर गया। और फिर इसकी और दो बेटियां हुई और विलियम शेक्सपियर 52 साल की उम्र पर इसका देहांत हो गया। टोटल 38 नाटक और 152 गीत, जिसको सोने कहते हैं, ये 14 लाइन की, 14 पंक्तियों की कविता होती है। तो ऐसी 152 कविताएं इनके नाम गिनी जाती है, जिसको मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। और उसके समय, विलियम शेक्सपियर के समय, और एक कवि था जिनका नाम था बेन जॉनसन। और उनका यह कहना था कि विलियम शेक्सपियर एक किसी समय का नहीं है, जैसे मतलब 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, लेकिन ये सब समयों के लिए है, बेन जॉनसन का यह कहना था। और इस बात को आप याद रखना, क्योंकि इसका हम दोबारा जिक्र करेंगे। लेकिन मैं सोचता हूं कि विलियम शेक्सपियर ने जो कुछ किया, वो ज्यादातर उसका लाभ एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन था। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, और ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भाषाओं से लोग हैं जो विलियम शेक्सपियर के नाम को भी नहीं जानते होंगे, और ना उनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती होगी कि उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ सके। मुझे भी खुद याद नहीं है कि मैंने अपने इंग्लिश सब्जेक्ट्स में विलियम शेक्सपियर के बारे में, मतलब उसके जो वर्क्स थे, उसके जो कार्य थे, उसका कितना मैंने पढ़ा, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अब याद भी नहीं है। और कई सारी पोइम्स थी हमारे सब्जेक्ट्स में। तो खैर, कहने का मतलब है कि विलियम शेक्सपियर का कॉन्ट्रीब्यूशन मेनली पढ़े लिखे लोगों के लिए था। और जब फेमस पर्सनालिटीज की बात आती है तो लोग तुलना करते हैं। जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उस आर्टिकल का जो टाइटल था वो था शेक्सपियर एंड जीसस, शेक्सपियर और यीशु। लेकिन मैं टाइटल रखना चाहूंगा शेक्सपियर एंड लॉर्ड जीसस, शेक्सपियर और प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु शेक्सपियर के 1500 साल पहले प्रभु यीशु का जन्म हुआ। और प्रभु यीशु के जीवन के बारे में काफी डिटेल हमें है बाइबल की 4 पुस्तकों से, नए नियम की 4 पहली पुस्तकों से, मत्ती, मरकुस, लुका और योहान। और उसके जीवन के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता चलता है, हर क्षेत्र के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे उसका जन्म एक बहुत दीन तरीके से हुआ था,
एक चरनी में उसने जन्म लिया, क्योंकि सराय में उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि तब वो एक ऐसी जगह आए हुए थे जहां पर उस मतलब मरियम और यूसुफ जो उसके कहने के लिए पृथ्वी के माता पिता थे, जहां पर उनका घर नहीं था। तो सराय में कोई जगह नहीं मिली, तो प्रभु यीशु का जन्म एक ऐसी स्थान में हुआ, चरनी में हुआ, जहां पर प्राणी थे। और फिर हम पढ़ते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत नया नियम पढ़ा होगा, कि जब वो पहली बार मंदिर जाते हैं, ये उस समय की प्रथा थी, जो प्रार्थना भवन था, मंदिर था, उसमें उसको ले जाया गया जब वो 8 दिन का था। और फिर जब भेंट अर्पण करनी होती थी मंदिर में, वो भी जो गरीब परिवार भेंट अर्पण करते थे वही अर्पण किया गया, यानी वो एक गरीब परिवार में रहा। 12 साल की उम्र पे दोबारा प्रभु यीशु को यरूशलेम के मंदिर या प्रार्थना भवन में जाने को दिखाया गया है। और फिर हम देखते हैं कि 30 साल की उम्र तक वो अधीन रहा, अपने माता पिता के साथ रहा, पृथ्वी के माता पिता के साथ, जबकि सत्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी के जरिए जन्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जन्मा, लेकिन वो जिस परिवार में जन्मा उसके उस परिवार के साथ रहा 30 साल की उम्र तक। और कुछ लोग कहते हैं कि जब बाइबल में 12 से 30 साल का उसका जीवन का विस्तार नहीं दिया है, तो वो इंडिया आया था और इंडिया आके उसने योगा सीखा, सांस रोकना सीखा, और इसलिए जो बात कही जाती है कि यीशु मसीह मर गया और तीसरे दिन जी उठा, ये सच नहीं है, क्योंकि उसने सांस रोक रखी थी। मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा व्यक्ति पैदा हुआ है, सबसे बड़ा योग गुरु भी, जो 2 या 3 दिन तक सांस रोक के रह सके? बेवकूफी की बात है ना। बाइबल बताती है कि वो इज़राइल की भूमि में ही रहा 30 साल की उम्र तक, अपना काम करता था। ये लोगों को हजम नहीं होता कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। एक ही व्यक्ति मानव इतिहास में, पूरे विश्व में हुआ, जो मृतकों में से जी उठा और युगानुयुग जीवित है। और भी लोगों को प्रभु यीशु ने खुद जिलाया मृतकों में से, लेकिन वो फिर मरे। लेकिन प्रभु यीशु जो साक्षात परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, उसने क्रूस पर मृत्यु सही जो हमारी सजा थी, और क्योंकि परमेश्वर था, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, है ना। तो इसमें कोई योग का योगदान नहीं है, ये प्रभु यीशु की अपनी सामर्थ है, ये उसका तत्व है, वो जीवन है, जीवन का सोता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। और फिर हम उन्हीं 4 पुस्तकों में उसके जीवन के आखिरी 3 वर्षों के बारे में भारी रूप से देखते हैं, जब उसने खुलकर सेवा की, लोगों की सेवा की। प्रभु यीशु का कोई भी विवाह नहीं था, है ना। और शेक्सपियर ने तो बहुत कुछ लिखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब लिखते देखते हैं बाइबल में, एक ही जगह उसको लिखते हुए देखते हैं, वो भी वो झुककर भूमि पर, मिट्टी वाली भूमि पर अपनी उंगली से कुछ लिख रहा था, जो कोई नहीं जानता उसने क्या लिखा। वो तब हुआ था जब कुछ धर्मगुरु, जैसे हमेशा होते हैं, अपने को अच्छा, दूसरे को बुरा, दूसरे पर पत्थर उठाने को तैयार रहते हैं। कुछ धर्मगुरु एक स्त्री को पकड़ के लाए कि हे स्वामी, ये स्त्री व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई है, कानून कहता है इसको पत्थरवा करके मार दो, तू क्या कहता है? तब प्रभु यीशु उनको कोई जवाब नहीं दिया और झुककर भूमि पर कुछ लिखने लगा। किसी को नहीं मालूम है वो क्या लिख रहा था। कुछ लोग कहते हैं शायद इन्हीं धर्मगुरुओं के पाप वो जमीन पे लिख रहा था,
हमें नहीं मालूम है। और तब प्रभु यीशु फिर जब वो बार बार उस पर प्रेशर डालते रहे, तब प्रभु यीशु ने उठकर कहा, जिसके अंदर कोई पाप ना हो वो पहला पत्थर स्त्री को मारे। और सब भाग गए वहां से एक एक करके। तो प्रभु यीशु ने स्त्री से पूछा, हे नारी, क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, नहीं प्रभु। प्रभु यीशु ने उसे कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना कर। प्रभु ने उसको एक मौका दिया, उसको ये नहीं कहा तेरा पाप ठीक है, कि तूने जो पाप किया कोई बात नहीं बच्चे, ये नहीं कहा। बोला, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा ना देता हूं, लेकिन आगे को पाप ना करना। तो ये घटना इसलिए बताई कि ये एक ही समय है जब प्रभु यीशु ने कुछ अपनी उंगली से लिखा। एटलीस्ट हमें यही रिकॉर्ड मालूम है, ये बात सच है। प्रभु यीशु पढ़ना और लिखना दोनों जानते थे, ठीक है ना। लेकिन लाखों लाखों किताबें प्रभु यीशु के बारे में लिखी गई है, लाखों लाखों किताबें, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, आप सोच नहीं सकते। जितनी प्रिंटिंग बाइबल और उससे रिलेटेड बुक्स की होती है पूरी दुनिया में, किसी और पुस्तक की नहीं होती। सपोर्टिंग बुक्स की बता रहा हूं। ये प्रभु यीशु की महिमा है। जैसे मैंने बताया, वो गरीब परिवार में पैदा हुआ। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। वो कंगाल बन गया ताकि तुम धनी हो जाओ। 33 वर्ष की अवस्था पर प्रभु यीशु मर गया, लोगों की दृष्टि में वो मारा गया कलवरी के क्रूस पर, लेकिन वास्तव में उसने अपना खुद बलिदान दिया, अपनी इच्छा से अपना प्राण दिया, अपनी इच्छा से वापस लिया। और ऐसा नहीं था कि बात कोई फिट की गई है कि उसको मार दिया इसलिए बाइबल कहती है उसने अपने आप अपना बलिदान दिया। नहीं, 700 वर्ष पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि वो इस प्रकार से दर्दनायक मृत्यु सहेगा, हमारे पापों को उठाएगा। उससे पहले भी कई सारी भविष्यवाणियां परछाई के रूप में बाइबल में लिखी थी कि यीशु मसीह दुख उठाकर क्रूस पर मारा जाएगा। उसने कुछ ज्यादा ट्रैवल नहीं किया जब उसकी विशेषकर 3 साल की सेवकाई थी, तब टोटल भी लगाया जाए तो 500 मील या करीब 750 किलोमीटर से ज्यादा उसने ट्रैवल नहीं किया। वो इधर से उधर सेवा के लिए जाता था, छोटा देश है, इससे ज्यादा ट्रैवल नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु आज कैसे याद किया जाता है? देखियो, बेन जॉनसन जो दूसरा कवि था उस समय, उसने कहा था कि ये कोई थोड़े समय के लिए नहीं है शेक्सपियर, लेकिन सब समयों के लिए है ना। लेकिन मैं सोचता हूं ये वाक्य सच नहीं है ना। एक कवि दूसरे कवि की बारे में अच्छा ही बोलता है, नहीं बोलेगा तो लोग कहेंगे ईर्ष्या करता है। लेकिन सच बात यह है कि ये शब्द प्रभु यीशु मसीह के लिए वास्तव में सच है, क्योंकि बाइबल स्वयं कहती है कि यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है, जो था, जो है और जो आने वाला है। वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का वचन है और समय से नहीं बंधा हुआ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन वो है जो आपके विचारों को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आया, उसने प्रकट किया कि परमेश्वर कौन है, कैसा है, क्या उसका स्वभाव है, इसलिए उसको वचन पदवी दी गई है। और उसके उपदेश, उसकी शिक्षा समय आधारित नहीं है,
जो उसने तब कहा वो आज भी एप्लीकेबल है, और सिर्फ पढ़े लिखों के लिए नहीं, सबके लिए। एक गरीब आदमी भी उसके वचनों को पढ़कर प्रॉफिटेबल होता है, लाभदायक होता है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी ये बातें कभी नहीं टलेगी। और जो उसने दिया वो पूरी मानव जाति के लिए है। शेक्सपियर ने पढ़े लिखों के लिए ही दिया, जो भी किया बहुत अच्छा किया उसने। मेरा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं बहुत इवैल्यूएट नहीं कर सकता, लेकिन जो सुनते हैं वो एक अपने सब्जेक्ट में, फील्ड में किंग माना जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए, जो वो लेकर आया, अनंत जीवन लेकर आया, क्योंकि सबने पाप किया था और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए थे, रहित हो गए थे। पापों की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए वो सबों के लिए अनंत जीवन लेकर आया, सबों के लिए, जगत के लिए अपना प्राण क्रूस पर देकर अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जो कोई पापी पश्चाताप करके उस पर विश्वास करेगा उसके पाप धुल जाएंगे और वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अगर आप भी पश्चाताप करेंगे, प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, उसको अपने हृदय में बुलाएंगे, तो आप भी आने वाले प्रकोप से बच जाएंगे। बहुत लोगों ने दुनिया में बहुत कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन सब समयों के लिए, सब व्यक्तियों के लिए जो बलिदान दिया और जो उपयोगी है व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में, वो प्रभु यीशु मसीह ने किया। सबसे बड़ा प्रभाव यीशु ने ही इस दुनिया पर डाला, ताकि पापी व्यक्ति पहले सुधर सके, पापी व्यक्ति के जीवन में पहले परिवर्तन आए। एक के जीवन में, एक में आता है तभी वो दूसरे को बता सकता है, तभी दूसरे में आने से फायदा है। ऐसे कोई समाज नहीं सुधरता, व्यक्ति व्यक्ति से ही सुधरता है। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए और उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दें।